हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं मार्जे मोल्टी इलेक्ट्रिकल्स। मार्जे मोल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सेलिंग फैन रिपेयरिंग के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली सेलिंग फैन में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाएगा और वो फॉल्ट क्यों होते हैं, इसके बारे में मतलब फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। इस वीडियो में जो कॉमन जो फॉल्ट होता है, जनरली जो फॉल्ट होता है वो उसको मैंने नोट किया है, ठीक है। तो चार टॉपिक ये मैंने नोट किया है और उसके अंदर भी छोटे छोटे जो फॉल्ट हैं वो आ जाते हैं सब, ठीक है। तो उस फॉल्ट को कैसे हम ठीक करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा पहला है कि फैन, सेलिंग फैन है वो बिल्कुल डेड है, ठीक है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं और किस किस कारण से ये पंखा घूमना नहीं घूमता है, घूमना बंद कर देता है, और उस कारण को कैसे हम ठीक करेंगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है जो है स्लो स्पीड फैन, स्लो स्पीड प्रॉब्लम, ठीक है। पंखा बहुत स्लो घूमता है, हवा नहीं दे रहा अच्छे से, तो ये प्रॉब्लम कौन कौन से कारण से ये प्रॉब्लम आ जाता है जिससे पंखा स्लो घूमने लगता है, ठीक है। और वो कौन कौन से छोटे छोटे प्रॉब्लम है उसको हम कैसे ठीक करेंगे उसको भी देखेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फैन मोर वॉइस प्रॉब्लम, जैसे पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, ठीक है, जिससे डिस्टर्ब होता है आदमी, ठीक है। तो कौन कौन से छोटे छोटे जो कारण होते हैं जिसके वजह से मतलब पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और उस प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक करेंगे इसको भी देखेंगे। और आखिरी जो हमारा टॉपिक है लास्ट वाला वो बहुत डेंजर है, वो ये है कि बॉडी करेंट प्रॉब्लम। फैन में आप देख मालूम ही होगा आपको कि बॉडी करंट आ जाता है जिसके पूरे फैन में पूरा करंट फैल जाता है, ठीक है। कोई भी आदमी जब उसको टच करता है तो उसको झटका लगता है, ठीक है, ये बहुत डेंजर होता है। तो ये प्रॉब्लम जनरली आप उसे टेस्टर भी चेक करते हैं तो वो आपका टेस्टर ग्लो होता है पूरे बॉडी पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है और कैसे आता है, किन किन कारण से आ जाता है और उसको कैसे हम ठीक करेंगे अच्छे से, इसका पूरा फुल डिटेल्स इस वीडियो में मैं कवर किया हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि इसी तरह वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे सबसे पहला हमारा टॉपिक था वो डेड था, फैन डेड प्रॉब्लम, ठीक है। पंखा बिल्कुल ही चल ही नहीं रहा है, बंद है एकदम, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसको कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है आपके कि फैन के पास तक वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, फैन को वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जहाँ पे फैन के ऊपर जो कैपेसिटर जहाँ लगा होता है, कैपेसिटर होल्डर लगा होता है, वहाँ पे जहाँ हम फेज न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं वहाँ पे सबसे पहले आपको सप्लाई चेक करना है, ठीक है, फेज और न्यूट्रल कि वहाँ पे सप्लाई पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। अगर वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँच रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, अगर वहां पे सप्लाई नहीं पहुंच रहा है तो उसके बाद से वो फैन जिस रेगुलेटर या स्विच से कनेक्ट है, जिससे कंट्रोल है, उस स्विच को और रेगुलेटर को चेक करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि स्विच या रेगुलेटर कोई खराब हो जिसके वजह से सप्लाई नहीं पहुंच रहा है और पंखा काम नहीं कर रहा है, पंखा नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को चेक करना है, इसमें से अगर कोई खराब है तो उसको चेंज करके फिर आपको पंखे को देखना है, ठीक है। अगर ये सही है, वहां पे वोल्टेज आपका पहुंच रहा है, तो अगला जो आपका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल डेड है, वो मतलब खत्म है, खलास हो गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि अगर वो बिल्कुल खत्म हो गया तो भी नहीं घूम पाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप कैपेसिटर को चेंज करके और देखें, कैपेसिटर नया लगा करके फिर उसको देखें, हो सकता है कि वो चलने लगे, ठीक है। अगर आपका कैपेसिटर भी सही है फिर भी पंखा नहीं घूम रहा है तो इसके अगला जो आपका प्रॉब्लम हो सकता है वो प्रॉब्लम हो सकता है कि बैरिंग आपका मतलब डेड है, बैरिंग खत्म है, फूट गया पूरा, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि पंखा मतलब पंखा का स्टेटर जो अंदर होता है वो स्टेटर के साथ टच हो जा रहा है, वो जब मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट जब वहाँ पे हो रहा है तो वो टच हो जा रहा है और पंखा घूम नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपका बैरिंग भी डेड हो गया हो, जिसके वजह से बैरिंग में फॉल्स आ गया हो, जिसके वजह से ये मतलब नहीं घूम रहा हो, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि बैरिंग, दोनों बैरिंग अप और डाउन दोनों बैरिंग चेंज कर दें बिल्कुल, और चेंज करके फिर चेक करें, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है।
और अगला जो हमारा प्रॉब्लम, जो पंखे में लूप होता है जो स्टेटर से बाहर निकला होता है, ठीक है, स्टेटर से जो 3 वायर या 4 वायर हमारे जो बाहर निकले होते हैं, हो सकता है कि ये वायर अंदर से डैमेज हो गया हो, ठीक है, ये टूट गया हो, ठीक है। तो ये होता है अक्सर, मतलब डैमेज हो जाता है अंदर से, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं पहुंच पाता है और पंखा नहीं घूमता है, ठीक है। तो ये लूप को अच्छी तरह से चेक करना है आपको, और चेक करके आप लूप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लूप चेंज कर दीजिए, फिर वो ठीक हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन में भी आपका पंखा नहीं घूम रहा है, ये सब चीज़ ठीक है, तो पंखा का कॉयल आपका डेड है, ठीक है, पंखा पूरी तरह जल गया है, ठीक है। तो ये तो ओपन करने से ही मालूम पड़ जाएगा कि पंखा जल गया इसलिए नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो ये जनरली पंखा अगर डेड है, नहीं घूम रहा है, तो ये सारे कॉमन फॉल्ट ये उस सिचुएशन में आते हैं, तो ये आप ऐसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि पंखा स्लो है, ठीक है, बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहा है, हवा नहीं दे रहा, अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आपको करना है कि सबसे पहले वहाँ पे आपको सबसे पहला जो होता है प्रॉब्लम, वो कैपेसिटर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कैपेसिटर डाउन उसका हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटर का जो माइक्रोफेरेट कैपेसिटी होता है वो डाउन हो जाता है, जिसके वजह से आपका मतलब फैन अच्छे तरह से घूम नहीं पाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, ठीक है, कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए, स्पीड आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। अगर कैपेसिटर को चेंज, कैपेसिटर आपका सही है, या कैपेसिटर को चेंज करने के बाद से भी आपको स्पीड नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में आप बैरिंग आपको मतलब ऐसे ही पंखे को घुमा के देखिए कि पंखा आपका मतलब एकदम फ्री घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में आप, हो सकता है कि बैरिंग उसका जाम हो गया है, ठीक है, उसमें जो ऑयल होते हैं, जो ग्रीस होते हैं, वो ड्राई हो गए हैं, सूख गए हैं बिल्कुल, ठीक है, जिसकी वजह से पंखा जाम घूम रहा है और वो स्पीड नहीं दे रहा है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि पंखे को खोल करके और उसके बैरिंग को अच्छे तरह से ग्रीसिंग करें, ऑयलिंग करें, ठीक है, और हो सके तो अगर जरूरत पड़े तो उसका बैरिंग भी चेंज कर दें, ठीक है, फिर आपको स्पीड अच्छी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में एक और बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर ये सब ठीक है, पंखा फिर भी स्लो घूम रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम होता है? इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होता है कि हो सकता है कि आपके पंखा को वोल्टेज अच्छी तरह से नहीं मिल रही है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी पंखा आपका वो स्लो स्पीड में घूमेगा, ठीक है, 220 या 200 या 180, इसके मतलब मुकाबले अगर वोल्टेज मिलेगा तो पंखा आपका अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अगर इससे कम वोल्टेज मिल रहा है, जैसे 110 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, या 19 मिल रहा है, तो 90 मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में पंखा आपका स्लो चलेगा। तो ये वोल्टेज भी अच्छी तरह से चेक करने की, वोल्टेज अच्छी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होते हैं और इसको ऐसे आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है फैन मोर साउंड प्रॉब्लम, या मोर वॉइस प्रॉब्लम, पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पंखा आवाज़ करता है तो सबसे पहला इसका कारण होता है बैरिंग, ठीक है, बैरिंग ब्रेक डाउन हो जाता है, बैरिंग फूट जाता है, जिसकी वजह से गड़गड़ गड़ ऐसे आवाज़ करता है, बहुत डिस्टर्ब होता है आदमी, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको खोल करके उसका बैरिंग चेक करें, बैरिंग चेक करने के बाद से बैरिंग चेंज कर दें, ठीक है, तो ये पहला सिचुएशन आता है। उसके बाद से दूसरा जो आपका प्रॉब्लम होता है आवाज़ करने का प्रॉब्लम, वो आवाज़ करने का प्रॉब्लम ये आपके जो ऊपर क्लैंप लगे होते हैं, जो फैन बॉक्स में क्लैंप लगे होते हैं, या फिर नीचे जो आपके शाफ्ट से जो क्लैंप लगा होता है, उसमें जो सारे नट बोल्ट लगे होते हैं, या जो आपके फैन में डायना में जो नट बोल्ट स्क्रू जो लगे होते हैं, ये सब हो सकता है कि ये कुछ दिन चलने चले के बाद से ये ढीला हो जाता है, जिसके वजह से भी आवाज करते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से चेक करके इसको आप टाइट कर दें, वो आवाज खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में भी ये सब ठीक है, फिर भी अगर आवाज कर रहा है तो हो सकता है कि आपके फैन का अंदर का जो आपका स्टेटर है वो फील्ड से रगड़ करके चल रहा है, घूम रहा है, जो मान के चलिए वो जो आपका फील्ड होता है उसमें स्टेटर होता है, जो घूम रहा है वो उसमें फील्ड के साथ रगड़ करके घूम रहा है, जिससे वो ऐसे भी आवाज़ करता है, तो ये भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए आपका बैरिंग में फॉल्स हो जाता है, जिसकी वजह से फायरिंग में बॉबलिंग मतलब आ जाता है, जैसे फॉल्स, जिसकी वजह से वो स्टेटर को लूज हो जाता है और उसको रगड़ करके चलता है, जिससे आवाज करता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको बैरिंग के चेंज कर देना है, बैरिंग चेंज करने से आपका सॉल्यूशन, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो आखिरी है, बहुत डेंजर है ये प्रॉब्लम है हमारा बॉडी करंट प्रॉब्लम, लीकेज वोल्टेज,
ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है और इसमें बहुत जरूरी होता है इसको ठीक करना, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होता है, जब कोई भी बंदा पंखे को टच करता है तो उसको झटका लगता है, ठीक है। तो ये क्यों प्रॉब्लम आता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें कि ज़्यादातर यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर होल्डर होता है, सेलिंग फैन का जो कैपेसिटर लगा होता है, वहाँ पे जो कनेक्टर होते हैं, वायर कनेक्ट जहाँ पे हम करते हैं, वहाँ से अक्सर वो जो हमारा डाउन रॉड लगा होता है उसमें वायर टच कर जाता है, या फिर जो हमारा शाफ्ट होता है, जो पंखे से शाफ्ट निकला होता है जिसमें हम नट बोल्ट कसते हैं, वहाँ पे टच कर जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से बॉडी में करंट आ जाता है, कोई आदमी टच करता है तो उसको झटका लगता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि इसको अच्छे से वहां पे चेक करेंगे कि वहां से कोई वायर टच नहीं ना हो रहा है, कोई वायर ऐसे खुला है तो उसको अच्छे से कवर करें, टेप वगैरह लगा करके अच्छे से उसको कस दें, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके जो ऊपर से जो अंदर से जो लूप निकला होता है, जो सेलिंग फैन के स्टेटर से जो 3 लूप या 4 लूप भी निकलते हैं, 3 भी बहुत सारे लोग लूप निकालते हैं, ठीक है। तो ये लूप जो निकला है, हो सकता है कि उसमें से वायर डैमेज हो जाता है और जो शाफ्ट होते हैं जिसके अंदर से वो आता है ऊपर वायर, ठीक है, तो वो शाफ्ट के अंदर भी वो टच कर जाता है जिसके वजह से आपके पंखे में करंट आने लगते हैं और वो झटका देने लगता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि वहाँ पे वायर को अच्छे से खोल करके वहाँ पे स्लिप डाल देना है। आपको मालूम होगा स्लिप आता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जित अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर स्लिप डाल दीजिए, ठीक है, एक एक सेपरेट वायर में, ठीक है। उसके बाद से आप अपना करंट चेक कीजिए, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर प्रॉब्लम ये सब भी नहीं है प्रॉब्लम, तो आपका जो अगला प्रॉब्लम हो सकता है वो प्रॉब्लम है आपका कॉयल से, ठीक है। आपका जो कॉयल होता है वो क्या होता है कि स्टेटर के साथ टच हो जाता है, ठीक है। कॉइल जो अंदर का होता है, जो वाइंडिंग किया होता है, वो क्या होता है कि जिस पे वाइंडिंग किया होता है वो सेपरेट पेपर उसमें लगे होते हैं, ठीक है, सेपरेट पेपर भी डालते हैं उसमें, पीवीसी पेपर, इंसुलेटिंग पेपर, ताकि ये बॉडी में टच ना हो, ठीक है। फिर भी कहीं से भी वो क्या होता है कि स्टेटर के साथ टच हो जाता है जिससे पूरे बॉडी में करंट आपको मिलने लगता है और वो झटका मारता है, ठीक है। तो इसको भी पूरे गौर से चारों तरफ आपको देखना है कि हो सकता है पंखे खोल करके स्टेटर निकालने के बाद से गौर से पूरे चारों तरफ देखेंगे कि मतलब हो सकता है कहीं कॉयल से तो नहीं टच हो रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से चेक करके और फिर अगर टच करा है तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर सेपरेट वगैरह डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे पंखा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और झटका नहीं लगेगा, ठीक है। ये लास्ट सिचुएशन ये भी होता है कि पंखा मतलब हाफ डेड है, ठीक है, एक कॉइल जल जाता है और एक कॉइल बच जाता है, जनरली 2 कॉइल होते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग, ठीक है। तो इसमें एक कॉइल जल जाता है जिसकी वजह से एक कॉइल पे घूमता रहता है, स्लो घूमेगा लेकिन घूमेगा, और वो क्या होगा, बॉडी में करंट आएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी आपको वो करंट से झटका लग सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको कि पंखे की वाइंडिंग करनी है, रिवाइंडिंग करनी है, ठीक है। तो यही सब जनरली प्रॉब्लम आते हैं और इसको ऐसे ही ठीक किया जाता है, ठीक है। अगर पंखा आपका बिल्कुल डेड है, कॉइल जल गया है, तो उसको क्या कीजिए कि रिवाइंड कीजिए, ठीक है। तो यही सब सिचुएशन आता है, यही सब प्रॉब्लम आता है। अगर इसके अलावा आपके सामने अगर कोई और भी प्रॉब्लम ऐसा आया हो तो कमेंट में जरूर हमको बताएं, ताकि उसको भी हम समझें और समझाने की कोशिश करें अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर सेलिंग फैन का लूप कैसे निकालते हैं और कनेक्शन कैसे करते हैं अंदर से, इसका वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पे ये इस तरह का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी इसी तरह एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।